हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार ने आम जनता को करारा झटका दिया है। हिमाचल पर्यटन विकास निगम की शिमला में बनी लिफ्ट का किराया दोगुना हो गया है। लिफ्ट में आवाजाही के लिए अब लोगों को 20 रुपए चुकाने होंगे। इसके अलावा लगेज के लिए भी अतिरिक्त 20 रुपए किराया तय किया गया है। हिमाचल पर्यटन विकास निगम ने वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली 30% छूट को भी पूरी तरह खत्म कर दिया है। अब सभी को लिफ्ट में आवाजाही के लिए 20 रुपए चुकाने होंगे। वीरवार तक लिफ्ट में आवाजाही का किराया 10 रुपए प्रति व्यक्ति था, जबकि वरिष्ठ नागरिकों को लिफ्ट में आवाजाही के लिए 7 रुपए चुकाने होते थे। पर्यटन सीजन के दौरान अचानक इस किराए में बढ़ोतरी की वजह से आम जनता को करारा झटका लगा है। हालांकि पर्यटकों पर इसका ज्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ता, लेकिन रोजाना आवाजाही करने वाले लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ गया है। इसके अलावा लोग वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट को भी खत्म किए जाने से नाराज हो रहे हैं। लिफ्ट में रोजाना आवाजाही करने के लिए लोगों को अब हर महीने 300 रुपए अतिरिक्त चुकाने होंगे। शिमला लिफ्ट के इंचार्ज गुरुदेव ठाकुर ने बताया कि सरकार के आदेशों पर किराया बढ़ाया गया है। यह किराया साल 2020 में बढ़ाया जाना था, लेकिन कोरोना की वजह से इसे टाल दिया गया। अब सरकार के आदेशों पर किराया 20 रुपए कर दिया गया है। मैं गुरुदेव ठाकुर, इंचार्ज लिफ्ट। इस 10-12 साल से रेट नहीं बढ़ा था, और ये कोरोना काल में बढ़ना था, लेकिन उस टाइम 2 साल मुसीबत आई और उस टाइम सरकार ने फैसला लिया कि इसका रेट नहीं बढ़ाया जाए। तो 10-12 सालों से 10 रुपए ही था और साथ में सीनियर सिटीजन का 7 रुपये था। अब जो सरकार के आदेश हैं कि सबको 20 रुपए ही देने पड़ेंगे, यही रहेगा सबके लिए, फॉर ऑल 20 रुपीज। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।